हमारी जमीन हमेशा से चेंजेस को विटनेस करती आई है, कभी किसी वॉल्केनिक इरप्शन तो कभी किसी एस्ट्रॉइड इंपैक्ट की वजह से। हमारी जमीन पर ऐसे ऐसे बदलाव देखने में आए हैं जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। अब जमीन पर कब कहां क्या हो जाए इसको प्रिडिक्ट करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन रिसेंटली साइंटिस्ट एक ऐसी स्टडी को सामने लेके आए हैं जिससे पता लगाया गया कि शायद जब भी हमारी जमीन पर सब कुछ मिटा देने वाली क़यामत आई है तब हर बार उस क़यामत के पीछे पूरी की पूरी मिल्की वे का हाथ रहा है। लेकिन हमारी जमीन पर एस्ट्रॉइड का गिरना या वॉल्केनिक का फटना आखिर सोलर सिस्टम के बजाय सीधा का सीधा मिल्की वे से कैसे कनेक्टेड हो सकता है? अब हमारी अर्थ की हिस्ट्री को समझने के लिए फॉसिल से भी ज्यादा जरूरी यहाँ पर मौजूद मिनरल्स होते हैं। जमीन की क्रस्ट पर मौजूद अलग अलग मिनरल्स के कार्बन डेटिंग से जब डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तब कई बार इस बात का आइडिया लग जाता है कि जमीन पर आफतें आखिर कब आई थी, कैसे आई थी और आखिर उनकी वजह क्या थी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी बड़ी आफत सबूत मिनरल्स के रूप में सालों साल तक बने रहते हैं। 99% केसेस में जब भी ऐसे मास एक्सटिंक्शन या सेमी मास एक्सटिंक्शन की बात होती है तब उनकी दो ही वजूहत होती हैं। पहला तो यही कि जब अचानक से जमीन के किसी कोने में मौजूद ठंडा वॉल्केनो फटपटता है तो उससे निकला हुआ धुआं इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज की वजह बनता है कि हर चीज उससे तबाह होना शुरू हो जाती है। और दूसरा तो ऑब्वियसली किसी एस्ट्रॉइड के टकराव को ही माना जाएगा, लेकिन इन सब हादसाथ का होना जस्ट कोइंसिडेंस है या इसके पीछे किसी तरह का पैटर्न है? वेल, हम इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जब भी जमीन पर उसकी शुरुआत के बाद कोई बड़ी आफत आई है तो मिनरल्स के डेटा ने हमें ऐसी इंसिडेंट के पीछे एक पैटर्न को दिखाया है। मतलब किसी बड़े लेवल की ग्लोबल इंसिडेंट के बाद नए मिनरल्स की क्रिएशन और डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जमीन के अंदर के मिनरल्स अचानक एक सैलाब की तरह बाहर आने लगते हैं। अब ऐसे ही जब दुनिया के अलग अलग कोनों से इकट्ठे किए गए मिनरल्स की जांच हुई तो पता चला कि हर 200 से 250 सालों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा था कि इन मिनरल्स की मिकदार बढ़ जाती। अब इस ग्राफ का मतलब ये था कि ऑलमोस्ट हर 200 मिलियन सालों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिस वजह से जमीन पर आफतें आती। लेकिन ये सारी मुसीबतें एक टाइम ट्रेवल में एक साइकिल की तरह की होती है। ये बात काफी सोचने वाली है। जब भी हमें कुछ ऐसा साइकिल वाला पैटर्न दिखता है तो हम सबसे पहले उन्हीं चीजों पर गौर करते हैं जो रेगुलरली होती है, जैसे कि जमीन की रोटेशन, रेवोल्यूशन वगैरह। लेकिन जो साइकिल इस पैटर्न को जस्टिफाई कर रही थी वो थी हमारी सोलर सिस्टम की कॉस्मिक साइकिल। कॉस्मिक साइकिल, कॉस्मिक ईयर या फिर गैलेक्टिक ईयर उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें हमारा सोलर सिस्टम रेवोल्यूशन को पूरा करता है। असल में होता ये है कि जिस तरह से जमीन सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सारे प्लैनेट्स सूरज की ग्रेविटी की वजह से उसके चारों तरफ अपने ऑर्बिट सूरज का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह सन पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के साथ मिलकर मिल्की वे का चक्कर भी लगाता है। सभी प्लैनेट का बैलेंस मेंटेन रखते हुए सन मिल्की वे के चारों तरफ चक्कर काटता है, और जिस ड्यूरेशन में सोलर सिस्टम रेवोल्यूशन को पूरा करता है उस ड्यूरेशन को गैलेक्टिक ईयर के नाम से जाना जाता है। अब साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में सोलर सिस्टम 230 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ एक गैलेक्टिक ईयर को 200 से 250 मिलियन सालों में पूरा करता है। और क्योंकि ये नंबर मिनरल्स की डेटिंग से सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, इसी वजह से साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा ये चांसेस लगते हैं कि इस तबाही के साथ साथ कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम रोटेशन भी जुड़ा हुआ है। अब साइंटिस्ट ने बताया कि मिल्की वे की अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस होते, कहीं पर ग्रेविटी का असर बहुत ज्यादा तो कहीं बहुत ही कम होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अज्यूम किया कि शायद जब हमारा सोलर सिस्टम रोटेट करता है तब उसी दौरान मिल्की वे में कहीं ऐसा स्पॉट आता होगा जहाँ की ग्रेविटी हमारी अर्थ को काफी इंटेंस तरीके से रिएक्ट करती होगी, जिस वजह से हमारी अर्थ के इंटरनल एक्टिविटीज में सर्टेन ग्रोथ आ जाती होगी। और बड़े बड़े इंसिडेंट जैसे कि वॉल्केनो का फटना या फिर किसी एस्ट्रॉइड का टकराना, ये सब कुछ इस ग्रेविटेशनल डिस्टरबेंस की वजह से होता होगा। अब क्योंकि ये चेंज इतना अचानक होता है कि अर्थ इसे सस्टेन ही नहीं कर पाता, और इसकी वजह से जो बैलेंस अर्थ के इनर कोर मेंटेन करने की कोशिश में लगी होती है तो इस डिस्टरबेंस के दबाव में वो इनर कोर भी इफेक्ट हो जाता होगा। अब अगर इसे टाइमलाइन की तरह देखा जाए तो ये भी हाइपोथेसिस अपने आप में बहुत कुछ बताता है। जैसे कि आज से 250 मिलियन सालों पहले बेंचिया का ब्रेकडाउन हुआ और उसके ऑलमोस्ट 180 मिलियन सालों बाद एक ऐसा एस्ट्रॉइड जमीन से टकरा गया जिसने जमीन के सालों पुराने एवोल्यूशंस को कुछ ही देर में मिटा के रख दिया। तो अगर ये साइकिल सच भी साबित हुआ
तो भी इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगला मैजिक डिजास्टर कम से कम 12 करोड़ साल दूर है, और इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तब तक तो शायद हम लोग रहे ही ना। लेकिन 100 बातों की एक बात, मिल्की वे में ऐसी लोकेशन आखिर एग्जिस्ट कहाँ करती है जिससे कि हम ऐसी और जगहों के बारे में स्टडी कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए इस बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मिल्की वे 200 से 250 सालों में करोड़ों अलग अलग एनवायरनमेंट और ग्रेविटी वाली जगहों में जाती है। और तो और हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि मिल्की वे में टोटल कितने आर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जब तक हम मिल्की वे का फाइनल स्ट्रक्चर बनाकर उसकी हर एक रीजन को स्टडी करके ये ना पता लगा लें कि मिल्की वे के कौन कौन से हिस्से में कैसे हालात हैं, तब तक तो तुक्के के भरोसे ही इस स्टडी को आगे बढ़ाना पड़ेगा।